गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एनजीपीएस फॉर स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट में। आज हम आपको एक्सरसाइज सीवी ई का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करवा रहे हैं। द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर -6p^3 + 7p²q² + tq एंड 7pq - 5p³ + 9p²q² फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो इसमें आपको फाइंड करवा रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो दिस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, तो इक्वल टू इज सेम। अगर इसमें लेंथ आपकी है -6p³ + 7p²q² + pq, ये आपकी लेंथ है प्लस ब्रीथ है 7pq - 5p³ + 9p²q² Now, 2 is same and break it open, -6p³ + 7p²q² + 7pq - 5p³ + 9p²q² Next, अब इसको अलग अलग से अपडेट करेंगे। फर्स्ट -6p³, अब इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है -5p³ + 7p²q² + 9p²q² नेक्स्ट +pq + 7pq दिस। नाउ वी एडिशन -6 - 5 - 11p³ + 7 + 9 + 60p²q² + 1p और + 7pq, तो 7 1 8 pq। अब मल्टीप्लाई टू का करेंगे तो दिस 11 2 22 -22p³, 2 × 60 16 2 32 p²q² 2 का मल्टीप्लाई 8 में +8 = 60 pq आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 7x² - 17xy + 5y² + 8 एंड 2 ऑफ इट्स साइड्स आर 4x² - 7xy + 4y² - 3 एंड 5 + 6y² - 8xy + x² and the third side of triangle. So question number 9, solve. Third side equal 2 sides. तो दिस स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो दिस पेरीमीटर आपका दिया हुआ है 7x² - 17xy + 5y² + 8, ये आपका हो गया पेरीमीटर माइनस सम ऑफ टू साइड। तो टू साइड से आपकी 4x² - 7xy + 4y² - 3 प्लस सेकेंड साइड 5 + 6y² - 8xy + x² फर्स्ट ब्रैकेट इज सेम 7x² - 17xy + 5y² + 8
माइनस इन दोनों नंबर्स का एडिशन करेंगे तो आप देख रहे हैं 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, तो दिस 5x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 8xy, तो माइनस 15xy प्लस 6y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो 6 प्लस 4 10y स्क्वायर माइनस 3 और दिस प्लस 5 तो दिस प्लस 2 ब्रैकेट ओपन 7x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 15xy माइनस प्लस माइनस 10y स्क्वायर और माइनस माइनस 2। अब इसको सेपरेट करेंगे 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर ये माइनस 17xy प्लस 15xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2। अब 7 से 5 को माइनस करेंगे तो आपका ये आएगा पॉजिटिव में 2x स्क्वायर माइनस 17 प्लस 15 तो दिस माइनस 2xy प्लस 5 माइनस 10 माइनस 5y स्क्वायर और प्लस 8 माइनस 2 प्लस 6 आंसर। नाउ होमवर्क कंप्लीट क्वेश्चन 10। इसमें ओनली आपको टू पार्ट चाटना है, जैसे फर्स्ट नंबर 3 प्लस 3 तो इसका आंसर आएगा 3 प्लस 3 इज सेम, तो ये फॉल्स है। 5a प्लस b इक्वल 5ab दिस इज फॉल्स। 6p प्लस 8p तो इक्वल 14p दिस इज ट्रू। अब p प्लस p इक्वल 2p होता है, इसमें दिया p स्क्वायर ये भी फॉल्स, तो इसमें ओनली c नंबर आपका ट्रू है और अदरवाइज a b d फॉल्स है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में फिनिश करना है। ओके दैट्स।